मिला है ये मौका इमरती को, और आज ये मौका इमरती अपने हाथों से जाने नहीं देगी। तेज बाबू, आपकी बीवी बने रहने का इससे अच्छा उपाय हमारे पास और नहीं था। अरे क्या हुआ? अरे इतना सब कुछ हो गया कल रात, और आप हमसे पूछ रहे कि क्या हुआ? बंद करो अपना ये नाटक, साफ साफ बताओ हमको। कल रात क्या हुआ था? कल रात को अरे अब आपको क्या बताए तेज बाबू, कि कल रात को क्या हुआ? कल रात को कितना कोशिश की आपको रोकने की, और आप, अरे हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अब कॉस कर रही हो तुम, ये सब नाटक बंद करो, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। अरे हम भी तो यहाँ ही सोच रहे हैं। अरे कितना कोशिश किए हम आपको रोकने के लिए, पर आप कल रात पर काबू नहीं रख पाए। खुद कुछ भी याद नहीं आ रहा है, हम ऐसा कैसे, हम बिस्तर पे कैसे आए? कहाँ हो गया था हमको, और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। नौटंकी वाले हमारी बात पे तो कोनो यकीन नहीं करे, पर अगर आप ये बात को भूलना चाहते हैं तो भूल सकते हैं, लेकिन हम ठहरे एक और इच्छा, हम भूलना भी चाहे तो भूल नहीं सकते हैं। अरे अपने आप को दर्द देके का फायदा, हम अपनी जगह जानते हैं, हम आपको, हम अपना इज्जत, अपना सब कुछ दे चुके हैं, इसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ही बोलेंगे हम कहाँ जाएंगे।
देखो। अरे बात तो आज के बाद से आप सुनेंगे हम रितेज पापा। अब आप ना तो ये पछतावे की आग से निकल पाएंगे और ना ही हमें एक घर से निकल पाएंगे। लापरवाही की वजह से इमरती की जिंदगी में दाग लग गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मुंह गलती कर बैठे जो हम कभी नहीं करना चाहते थे, पर ये गलती की हमारे लिए यही सजा है। कर रहा है हम अपने आप को और इको काहे की सजा दे रहा है। तुम्हारी वजह से मुंह गंदी कर गंदी कर गंदी कर जो हम कभी नहीं करना चाहते थे। क्या हुआ बहू? बुलाया हमको? अरे बिट्टू, अरे वहां मलहम रखा है, जरा ले आओ यहाँ पर। तेज बाबू भी ना देखते हैं ना समझते हैं। अरे खड़ी काहे हो, जाओ जाओ मलहम लेकर आओ भाई। दर्द हो रहा है? हाँ? अरे तो कुछ ना है बिट्टू, अभी तो तेरे साथ बहुत कुछ होना बाकी है। अब तो हम उनके हो चुके मन से और तन से। बिट्टू एक बात बता, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, तो हमको बता ही दो कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए। हम तेज बाबू को कह के तुमको पैसा दिलवा देंगे। वो कहा है ना, वो हमने कोनो बात नहीं डालते। बताओ कितना पैसा चाहिए तुमको? रिश्ता तो प्यार और मोहब्बत से बने थे, पैसा से नहीं। हाय हाय, कौन सा प्यार और कैसी मोहब्बत? हाँ इसकिया का शायरी हमने सामने मत पढ़ी, समझी? एक बार अच्छी तरह से कान खोल के सुन लो, यही कहीं पड़ी रहना रोती गाती। हाँ
तेज बाबू को पत्नी का सुख हमसे मिलेगा। और कल रात को जो हो गया है उसके बाद तो बाप बनने का सुख भी हम ही से ही मिलेगा। जवाब नहीं है। अरे ऐसे ही ना थोड़ी भी इस गांव के लोग। मरती, तू काहे इतना खुश हो रही है? अरे खुश काहे ना हो, इसी काम को तो पैसा मिला है हमें, और कोई खैरात में ना थोड़ी पैसे बांटता है। सच बता, तू का सिर्फ पैसा लेके इतना खुश है या कोनो और बात है? अरे घर बनाने का सपना तो हर औरत का होता है, तो कहा हमारे दिल में नहीं होगा? हम जैसी लड़कियों को कौन अपना बीवी या बहू बनाने का सोचता है? झूठा ही सही, लेकिन पहली बार जिंदगी में हमें कोई अपना पत्नी मानता है। और फिर क्या पता एक दिन ये सपना सच हो जाए। ये सपना कभी सच नहीं होगा इमरती। जिस दिन वो लड़की इस घर से निकलेगी ना, उस दिन तुझे भी इस घर से निकलना होगा। अरे तो काहे भूल जाती है, तू तो एक नौटंकी वाली है, कौन सी कार करेगा तुझे? अरे काहे किसी का घर बर्बाद कर रही है तू? इमरती को भी तो एक घर चाहिए, वो भी तो इस दुनिया से कुछ चाहती है। नहीं, इमरती को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, और अपना घर बसाने के लिए इमरती किसी का भी घर बर्बाद कर सकती है। अकेले में भूतों से बातें कर रही है का? बनावटी सिंगार तो खूब करती है ये औरत, लच्छन शरीफों वाले बिल्कुल नहीं। अरे लिपस्टिक पाउडर तो ऐसे पोती है कि धुल जाए तबे असली चेहरा दिखेगा। ऐसा घूर के का देख रही हो जेठानी जी? तुम्हारा लक्षण तो तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रहा है, अरे उसे धोने की भी जरूरत नहीं है। हम सोच रहे थे कि तेज देवर जी ने तो कभी नहीं बताया कि ऐसा भी कोई है जिसको वो इतना प्यार करते हैं। वैसे कैसे हुआ ये मेल जोल? अब ये तो हम आपको नहीं बता पाएंगे। का हम पूछ सकते हैं कि काहे नहीं बता पाएंगे? अब काहे कि वो तेज बाबू ऐसे इंसान है कि उनसे जब भी मिलो लगता है कि अभी मिले हैं। हमारा मेल जोल तो कभी पुराना हुआ ही नहीं और ना ही कभी होगा, बस एकदम ताजा एकदम नया है। अच्छा है। वैसे कौन गांव की हो, इधर ही आसपास की होगा? अब ये सवाल आप हमसे नहीं पूछिए भाभी जी। हाय प्रभु, ये क्या हुआ, तुम्हारी अखियन में पानी काहे आ गया है? कुछ नहीं भाभी जी, हमें अपना गांव अपना घर याद आ गया। तेज बाबू के लिए हम अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ चली आए, अब यही हमारा घर है और यही हमारा गांव। अब लड़की का ससुराल ही तो उसका घर द्वार होते। देखो तो कैसे मगरमच्छ के जैसे आंसू बहा,
ये तो बहुत बड़ी नौटंकी है भैया। अरे आपने हमारी नौटंकी अभी देखी कहाँ है जेठानी जी? असली नौटंकी हम कर चुके हैं आपके प्यारे देवर जी के साथ। अरे अरे ये क्या कर रही हो? अरे रो मत। अरे हमसे ही गलती हो गया जो तुम्हारा घर बार के बारे में पूछ बैठे। अरे रो मत, हम जाते हैं। कहीं कथा कहानी ज्यादा बढ़ गया ना तो बहुत तकलीफ होगा तुमको। अरे सुनो, रो मत, हम जाते हैं। काल बना लिया है तुमने तेज प्रताप। पहले भाई हमेशा दरवाजे पे तुम्हारा इंतजार करती थी, पर तुमने अब ऐसा हाल बना लिया है कि माई को भी ससुरा कोई परवाह नहीं है। बहुत बुरा आदमी है, बहुत बुरा। पत्नी नहीं बन पाई तो हमारी माई बनने की कोशिश कर रही है। हमने दुनिया में बहुत बड़े बड़े बेशरम देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा बेशरम हमने आज तक नहीं देखा। आप होश में नहीं है, चलिए कमरे तक छोड़ देते हैं। सहट बढ़िया ही हमको कमरा तक छोड़ने का। हमको मालूम है ये सब तुम्हारा नौटंकी। अरे हम पूरा होश हवास में है, लगता है तुम होश में नहीं हो। अरे अपना खुली आंखों से नहीं देख पा रही हो कि हम किसी दूसरी औरत के साथ शादी करने जा रहे हैं। लगता है तुमको हमारा कोनू बात समझ में नहीं आता। ठीक है, चल हमारे साथ। इसी मंदिर में माई ने उदापन कराया था ना तुम्हारे साथ, और आज हम इसी मंदिर में खड़ा होकर कह रहे हैं तुमसे, और भगवान के सामने कह रहे हैं, याद रखना आज से 5 दिन बाद कुल देवता का पूजा है। 5 दिन बाद कुल देवता का पूजा का दिन मैं तेज प्रताप सिंह इमरती से शादी करूंगा, उसे अपना बीवी बनाऊंगा, और उसी दिन मैं बंधन हमेशा हमेशा के लिए तोड़ूंगा, और उसी दिन इमरती के साथ नया गठबंधन शुरू करूंगा। आज से 5 दिन बाद सारी बोरियां लाके यहाँ पर जमा कर दो, और हाँ फूल मंदिर के पास रखवा देना। अच्छा सुनो, ये फल रसोई में रखवा दो, ठीक है? क्या बात है माई, इतना सामान काहे मंगवा रही, कछु है का? अरे 2 दिन बाद कुल देवता की पूजा है ना, उसी के लिए सारा सामान आ रहा है। तुम भी ना, कुछ भी याद नहीं रहता। 2 दिन बाद कुल देवता की पूजा है, उसी के लिए सारा सामान आ रहा है।
कर रहे थे? हैं? अचानक सांप काहे सूंघ गया दोनों को? अरे दूसरा भरा तुम्हें दिमाग, मैं दो दिन बाकी रह गया कुल देवता का पूजा में, रात का ही नहीं दिलाया हमको। मालूम तुम बिट्टो को 20 दिन का टाइम दिए, सब चौपट कर दियो तुम गधा कोई। आप भी ना भैया जी खाली हाथ चलाते रहते हैं। अरे हमको क्या पता था कि लड़की 20 दिन तक आपके पास टिक जाएगी? अरे हमने तो सोचा था कि एक दिन में ही भाग जाएगी वो, और आप उन देवता वाला पूजा का दिन भूल जाएंगे। मेरा मतलब है कि इमरती से जब आपकी सेटिंग हो गया था तो हमने तो यही सोचा कि आपका जय जयकार हो जाएगा। कार्यक्रम हुआ और का भैया जी, इसी चक्कर में तो हम लोगों का भी ध्यान नहीं गया, और आप तो पासा पलटने में उस्ताद हैं सरकार, और अभी तो दो दिन बाकी हैं। दोनों भाई साहब आपके लिए भैया जी कि आपको छुटकारा मिल जाए। अरे पति, कुल देवता की पूजा से पहले भी घर से निकालने की चुनौती दी है। सोचे थे कि हम यहाँ कोनो लालच की वजह से रुके हैं, लेकिन हम यहाँ रुके हैं तो सिर्फ ये आस में कि शायद किस दिन हमें उन्हें ये साबित कर सके कि हमरे मन में कोनो छल और कपट नहीं है। हम यहाँ रुके हैं तो बस अपने पति के दिल जीतने के खातिर। किसना, ये कौन से इम्तिहान में हमें डाल दिए हो? तो अपने पति के बचन के खातिर ही घर छोड़ के जा सके थे, ना ही यहाँ रुक सके थे। किसना, अपने पति के चेहरे पर हार ना ही देखना चाहते हैं हम। हमरी मदद करो, बचा लो, बचा लो। बहू, जरा हमरे साथ चलो। हम गहने वाले को बुलवाए थे कुल देवता की पूजा के लिए, वो तुम्हारे लिए गहने लेकर आया है, चलकर पसंद करो। माँ जी, सब करने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं, अब तू हमको बताएगी का कि कौन सा चीज का जरूरत है और कौन सा नहीं। चुपचाप चलो हमारे साथ। अच्छा तो ये बात है, 20 दिन में घर से निकलने का बात कह रहे थे देवर जी, इसीलिए कुलदेवता की पूजा का बात सुनकर सांप सूंघ गया था उनको। अब समझ में आया। दो दिन बाद कुलदेवता की पूजा है, उसी के लिए सारा सामान आ रहा है। पर बहुत ही सुंदर लग रहा है। माँ जी, हमारे पास पहले ही बहुत गहने हैं, हमें लेकर क्या करेंगे? बहाना बनाने का कोनो जरूरत नहीं है, अगर पसंद है तो बोलो, और अगर नहीं पसंद है तो दूसरा देख लेंगे, लेकिन तुमको लेना ही पड़ेगा। ये देखिए ढोकराई, ये हार छोटी ढोकराई को बहुत पसंद आएगा। ये जो कच्चा धागा बांधा है ना मैंने, ये भुलाए मत रहना कि पक्का है, ये कच्चा है और कच्चा ही रहेगा। और रही बात कुल देवता की पूजा की, उससे पहले पहले मैं तुमको घर से बाहर निकाल दूंगा।
हार तो सच में बहुत ही सुंदर है, देखो। तेज प्रताप सिंह ने कभी हारना नहीं सीखा, कभी नहीं। अरे हारना तुझे आता ही नहीं है। लेकिन अब सवाल ही उठता है, जो काम 20 दिन में नहीं हुआ वो तो 2 दिन में कैसे होगा? कैसे होगा? अब कैसे होगा जो अब तक ना हुआ था? जब एक मर्द को इतना बड़ा हार मिले, वो भी एक कमजोर लाचार लड़की से, तो उसको तो बस चूड़ी पहनकर घूमना पड़ता है। इसीलिए हम खुद ही चूड़ियां ले आए आपके लिए। अरे देख के बताइए ना कैसे हैं? भाभी, भाभी। देवर जी, अगर हम पर चिल्लाने से आपको जीत हासिल होता है ना, तुझे अरे जोर जोर से चिल्लाइए, लेकिन आपका हार तो निश्चित है। खेला गया आपके हाथ से। हमने हारना नहीं सीखा आज तक, तो अब सीख लीजिए। वो कहा है ना कि जीतने वाला अपनी जीत के जश्न की तैयारी कर रहा है। कहा हमारी बातों पर विश्वास नहीं है आप? तो जाइए नीचे जाकर खुद ही देख लीजिए। अरे जाइए ना। नहीं आया, नहीं पसंद आया तो कोनो बात नहीं। इमा उदास होने की कौन सी बात है? और देख लेंगे, कोई ना कोई तो पसंद आ ही जाएगा। नहीं, नहीं माँ जी, बिना ही लेना है, फिर कभी ले लेंगे। आप काहे चिंता करती हैं छोटी बहू? अब माँ जी का मन है तो ले लीजिए ना। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप दुकान पे आ जाइए। हमारी दुकान में इतना डिजाइन है कि वहाँ नजर पड़ जाए तो हटता नहीं है। हाँ, यही ठीक रहेगा, हम दुकान पर चलकर देख लेते हैं। आप सही कह रही हैं माई, ये ठीक रहेगा। अगर आप कहें तो हम खुद इनको लेकर चले जाएंगे। कहे कि इसी बहाने घूमना फिरना भी हो जाएगा और ये अपना हार भी पसंद कर लेंगी। तुम्हारी पत्नी है, ये मैं पूछने की कौन बात है? जाओ बहू, जाकर तैयार हो जाओ। साहब चलिए हम दुकान पे आते हैं। जी भाई, हम कह रहे थे कि हमको आने में थोड़ा वक्त लग जाए तो परेशान मत होइए। वो कहे कि हमारे दोस्त के यहाँ दावत है, वो बहुत ही जिद कर रहा है, अब जा रहे हैं तो इनको भी सबसे मिलवा कर ले आते हैं। चलिए चलकर तैयार हो जाइए ठकुराइन।
पे लेकर आए हैं? नीचे उतरो, नीचे उतरो हमने कहा। बताओ कि तुम चाहती का हो या क्या कह रहे? कुछ समझे नहीं। इतनी भी ना समझ नहीं हो तुम। तुम्हारे साथ रहकर हमको इतना समझ में तो आ गया है कि तुम एक बहुत ही चालाक औरत। सवाल पे सवाल मत करो। आज हम जितना पूछ रहे हैं उतना ही जवाब चाहिए हमको, समझी? अरे हमको जान से मारना चाहती हो ना तुम? हमारा भरा हुआ मुंह देखना चाहती हो ना? और उसके लिए तुम अपना पूरा जोर अजमा भी लिए हो। बर्दाश्त करने का बहुत ही ताकत है तुम्हें। अरे जितना आज तक तुम सह चुकी हो ना उतना तो हम अपने पूरे जिंदगी में सोचे भी नहीं। हमको बर्बाद करके छोड़ा, हमको नीचा दिखाओगी, हराओगी तुम हमको। भगवान के लिए ऐसा मत सोचिए, हम आप तो बुरा कह ही जाएंगे। तो बस ये साबित करना चाहते थे कि हमें मन में कोई लालच नहीं है। चुप 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 चुप। ये झूठ मूठ का सफाई देने का कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे बारे में बहुत ही अच्छे तरह जानते हैं। कचोर जाने का जोत नहीं हमको। हम तुमसे बस एक ही चीज चाहते हैं कि चुपचाप हमारे घर से और हमारी जिंदगी से निकल जाओ। और उसके लिए हम तुमको कुछ भी देने को तैयार हैं। पर तुम हमारे घर से नहीं, इसको क्या समझे? अरे इसको अपना हार ना समझे तो क्या समझे हम? लेकिन हमारी कही एक बात याद रखो, हम अपना हार इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। और अब तो तुम ये भी समझ गई हो कि हम तुमको यहाँ काहे के लिए लेकर आए। आज हम सारा हिसाब किताब चुकता कर देंगे। सारा का सारा खेल आज का आज यही का यही खत्म, यही का यही खत्म। से डर नहीं लगता ना तू? आज तुम्हारा जिंदगी दांव पर नहीं है। आज दांव पर है तेज प्रताप सिंह का जिंदगी।
जीप और खाई के बीच में बहुत ही कम दूरी है, हमको कछु दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल अंधेरा है हमारी आंखों के सामने, और हम जीप लेकर खाई की तरफ बढ़ेंगे। और अभी जीप तभी रुकेगी जब तुम ही कहोगे कि तुम हमारा घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो। अगर ये कहने में थोड़ी भी देरी हुई ना तो हम और हमारी जीप दोनों खाई में। अब हमारी जिंदगी और मौत का फैसला तुम्हारे हाथ में है। जो भी हो जाएगा लेकिन तेज बाबू विट्टो को यहाँ वापस नहीं आने देंगे। बस सुगंधा, क्या आग लगाई है तेज बाबू के दिल में। मालकिन, अरे हाँ हाँ सुनो, अब देखो बुआ जी का कमरा ना एकदम अच्छा से साफ कर दो है? लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जो चीज जहाँ है उसको वहाँ ही रहने देना, समझ गई? हो गया ना तो तुम्हारा जिंदगी खराब कर देंगे। हाँ पर ऐसे गलती होएगा मालकिन, गलती होएगा, हम नौकर लोग के भरोसे छोड़ने का ना, हमको खुद ही ना इन लोग के भरोसे छोड़ दिए ना तो होएगा वो हमारा बेड़ा गरक। Thank you.
आंखें खोलो बिट्टो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपनी आंखें खोलो बिट्टो, इसको कहीं कुछ नहीं, नहीं इसे कुछ नहीं होगा। अगर इसको कुछ हो गया ना तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। बिट्टो अपनी आंखें खोलो, जल्दी से किसी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। यहाँ कोई है? अरे हमारी मदद करो, कोई है? तो बहुत चोट लगा है। कौन है ये? ये मेरी पत्नी है। वो कहा है कि तुम हमारी लिए कभी नहीं बन सकती। लेकिन इसके साथ ये हुआ कैसे? हमारी गलती से पहाड़ी से नीचे गिर गई। इसको बहुत ही चोट लगा है। अगर इसको जल्दी से अस्पताल नहीं ले जाया गया ना तो इसका जान चला जाएगा। बाबा हमारी मदद कीजिए। इसको कुछ नहीं होगा, मालिक सब ठीक करेगा। तुम मेरे साथ आओ, हम इसकी तीमारदारी करते हैं। तो उम्र गुजर गए इन जंगलों में, हम यहां जंगल में एक एक जड़ी बूटी को पहचानते हैं। मालिक सब ठीक करेगा। दिल में अपनी पत्नी के लिए इतना प्यार है, तो यमराज भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसे तो सिर्फ चोट लगी है। लेकिन बाबा ये होश में कब आई? अपने बाबा पर भरोसा रखो, वो ऊपर वाला सब ठीक करेगा। तुम भी थके हुए हो, थोड़ा आराम कर लो। प्यार
प्यार करने वालों पे हमेशा अपनी छाया बना रखता है। अब इस बच्ची को कुछ नहीं होगा। परवरदिगार तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। जा बच्चा, सब खैर होगी। अल्लाह। जाने के लिए तैयार हो। हम हमेशा के लिए आपके घर से और आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। छोड़कर चले जाएंगे। आपकी जिंदगी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर हमारे चले जाने में ही आपको खुशी मिलती है तो हम हमेशा हमें हमें माफ कर दीजिएगा। आपकी बहू आज बिना बताए आपका चौकट लांघ रही है, लेकिन हमें ये कदम मजबूरी में उठाना पड़ रहा है माँ जी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमरे चले जाने से घर के बाकी सब लोगों का खुशी फिर से लौट आएगा, और फिर तेज बाबू के लिए हमरा प्यार आपसे अच्छा कौन समझ सकता है। सके तो हमको माफ कर दीजिएगा।